बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। कोरोना को हराने के लिए भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है। देश में कोरोना पीड़ितों की तादाद 131 पहुंच चुकी है और इससे 3 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने आज कुछ अहम फैसले लिए। बता दें, पहले ही उत्तर प्रदेश में सरकार के आदेश अनुसार 31 मार्च तक के लिए सभी पर्यटन स्थलों को बंद करवा दिया गया है। वहीं राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को भी 2 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। आज बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश के किसी भी संदिग्ध से इलाज का पैसा नहीं लिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं, कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक कौन कौन से अहम फैसले लिए हैं। सभी पर्यटन स्थल 31 मार्च तक रहेंगे बंद। 2 अप्रैल तक राज्य के स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखा जाएगा। किसी भी ऐसे कार्यक्रम की मंजूरी नहीं है जिसमें भीड़ एकत्रित हो। प्रदेश के गणमान्य लोगों से लोगों को जागरूक करने की अपील। धार्मिक स्थलों पर भी ज्यादा लोग एकत्रित ना होने दें। यूपी में किसी तरह के प्रदर्शन और धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस से संक्रमित जो भी मरीज होगा उससे इलाज का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की अगुवाई में सभी डिपार्टमेंट सफाई और हाइजीन का खासा ध्यान रखेंगे। राज्य में सभी तरह की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फॉर होम पर फैसला लिया जा सकता है। इस पर चीफ सेक्रेटरी फैसला लेंगे। प्राइवेट सेक्टरों से भी अपील की जाती है कि वे वर्क फॉर होम को तवज्जो दें। वहीं एक बड़ी खबर सामने आई है, कोरोना वायरस को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी महामारी घोषित कर दी गई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्कूल कॉलेजों और पर्यटन स्थलों को बंद करने के आदेश दे दिए थे और अब सभी जिम व मॉलों को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेरठ निगम ने पूरी कमर कस ली है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम एवं उपचार के लिए कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। आइए देखते हैं कोरोना को लेकर क्या बता रहे हैं मेरठ मंडल यांत्रिक खंड के अधिकारी अमित शेरावत। हमने मुख्य सचिव के आदेशों का पालन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर 13 मार्च को मुख्य सचिव ने एक आदेश दिए हैं कि क्लोरीन का छिड़काव किया जाए जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है और अपने कार्यालयों में। हमारे मुख्यमंत्री ने उन आदेशों के आधार पर एक आदेश निकाला है कि अपने अपने कार्यालय में सब स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजेशन का प्रबंध करें। उसी के दृष्टिगत हमने अपने कार्यालय में भी क्लोरीन का छिड़काव करा रहे हैं और नगर निगम को भी क्लोरीन के टैंक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि ये वायरस हमारे मेरठ में शहर में ना आए। इसके साथ ही मैं अवगत कराना चाहता हूँ, हमारे 17 नगर निगम है पूरे यूपी में, मगर मेरठ नगर निगम केवल एक ऐसा निगम है जिसमें हम इस शहर को पिछले एक साल से क्लोरीन युक्त पानी दे रहे हैं, तो हमारे शहर में इस वायरस का आना नामुमकिन है। अगर उस पानी का दिन रात लोग यूज़ कर रहे हैं और अपना मतलब हाथ पैर धो रहे हैं तो वो उनके लिए एक एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। तो इसके क्या मतलब, अगर बात करें जो क्लोरीन है इसमें कौन कौन से तत्व हैं जो मतलब क्लोरीन क्या है, बैक्टीरिया रिमूवल के लिए यूज़ होता है। तो इसमें है 0.5 ppm की डोजिंग दे देती है, तो टेल एंड पे 0.2 ppm मिले तो उससे क्या है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं पानी के अंदर वो सारे खत्म हो जाते हैं, कोई भी इसके अंदर बैक्टीरिया आपको मिलेगा नहीं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जो है अपने रिवेन्यू डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग किया था। कोऑर्डिनेशन टीम बना ली गई है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी बना ली गई है। कहीं कोई घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, बस प्रिकॉशनरी हम लोगों ने जो है मेरठ में मूवी हॉल, जिम्स और स्विमिंग पूल 31 मार्च तक बंद किए हैं। हम लोगों को में जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने टीम बनाई है जिसमें हमारे ग्राम प्रधान है, हमारे आशा ANM सेक्रेटरीज लेखपाल हैं और हमारा जो पुलिस का स्टाफ है उनको भी मोटिवेट किया गया है ताकि उनके भी संपर्क में जो लोग आते हैं उनको जानकारी देते रहें। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो है व्यापार संघ के लोग भी थे, फार्मासिस्ट भी थे और हमारे जो है इंडस्ट्रीज के लोग थे, उनको भी जागरूक किया गया है कि हमारे यहाँ भी जो लेबर काम करती है उनको भी हमें स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है वो उनके बारे में बताया जाएगा और वही बताया जा रहा है और किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, यही बार बार हम लोग उनको मैसेज दे रहे हैं। शादी ब्याह जो है क्या प्रशासन का आगे है? अभी इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी जो है इसको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे हेल्थ एडवाइजरी आ रही है कि
बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए, तो वो हम लोग भी प्रेरित कर रहे हैं, बट अभी इसमें हम लोगों ने कोई ऐसा कोई बैन नहीं लगाया। कितने लोग निगरानी में, कितने और नगर निगम गाइडलाइन जारी की गई है कि इतने लोग रखने हैं, इतने रखने हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये प्रश्न पूछा था कि जो बाहर से ट्रेवल करके आए हैं उनकी लिस्ट कितने की है, तो वो 131 लोग की थी। तो उनको हम लोग हमारी जो है पिछले कई दिनों से जो है जाते जाते डेली बेसिस पर रिपोर्ट आती है, एयरपोर्ट से आती है हमारे मेडिकल स्टाफ से, तो हमारा मेडिकल स्टाफ उसको एक बार चेक करता है और उनकी हम लोगों ने पूरी निगरानी करी थी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मेडिकल में 80 बेड का हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है, जिसमें 40 सस्पेक्ट के लिए रहेगा, 40 कंफर्म के लिए रहेगा। इसके अलावा 20 वार्ड हम आईसीयू के बनाने जा रहे हैं, और जो जिसमें 20 बेड रहेंगे एक वार्ड में, वो उसी बिल्डिंग को हम एक तरह से केवल कोरोना के लिए ही ट्रीटमेंट सेंटर बनाने जा रहे हैं। कल कमिश्नर साहब से बैठक हुई थी हमारी, इस बारे में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विदेश यात्रा से जो हमारे पास लिस्ट आई है, कल 131 की आई थी, शाम को 80 की लिस्ट एक और आई थी, तो दो लिस्टें आ गई हैं, और इन दोनों को मिला के हम लोग उनका होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जो 9 कंट्रीज़ हैं जहाँ से आने वाले हैं उनको तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है, और जो उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनको हमें होम क्वारंटाइन करना है। उनमें लगातार 14 दिन तक हम लोग उनका फ़ोन से, व्हाट्सएप से उनका, और घर पर जाके अगर किसी का मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके एड्रेस पे जाके भी हम लोग उसमें WHO की टीम का सहारा लेके उनको हम ट्रैक कर रहे हैं। दुनिया की सामाजिक और गैर सामाजिक संस्थान इस महामारी से लड़ने के लिए वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने जहां आगे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कस्बा किठौर में मास्क विक्रेता मास्क की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। बता दें, मेरठ रेंज के IG प्रवीण कुमार ने मास्क को तय कीमत से अधिक कीमत पर बेचने और स्टॉक रखने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन आज यह आदेश सिर्फ हवाई आदेश साबित हो गए हैं। किठौर स्थित खलील प्लाजा के स्टार जनरल स्टोर में 10 रुपयों से लेकर 15 रुपए तक बिकने वाले मास्कों को 40 रुपए में बेचा जा रहा है। इस बात की शिकायत जब एक ग्राहक ने दुकानदार से की तो दुकानदार ने 40 रुपए से कम में ना देने की बात कहते हुए उसे दूसरी दुकान से लेने की सलाह दी और कहा कि जहां से कम दामों में मास्क मिल रहा है वहां से खरीद दो। इस दौरान किसी ने उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वो तो ना होता नहीं भैया, चेक कर लो, चेक करो, उसे पहन के तो चेक करा जाएगा जी भाई। क्या बहन, तो सुरक्षा की चीज पे भी जो ब्लैकमेल होने लगा भैया, कि मिल भी ना रहे इसी वजह से वो यार। चलो जी, 40 रुपए का जी भाभी। इसके ये ऐसी आती है या सभी में ऐसी होती है? सभी में भी आती है ही ऐसे, क्योंकि जहाँ से भी शुरू होगी नहीं वहाँ जोड़ लगा हुआ आता। इस खबर में बस इतना ही। अपनी साफ सफाई का खासा ध्यान रखें और कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोते रहें।